नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज में और आपके साथ मैं हूं गणेश। हल्द्वानी में आज अल्पसंख्यक आयोग की ओर से सर्किट हाउस में जन सुनवाई की गई। आपको बता दें, विभिन्न विभागों और पुलिस से उत्पीड़ित लोगों ने आयोग में शिकायत की थी, जिसके चलते आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने अधिकारियों के साथ जन सुनवाई करते हुए कई विभागों के अधिकारियों को फटकार लगाई। इस संबंध में बात करते हुए अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम ने बताया कि उनके पास 55 शिकायतें आई थी, जिसमें 20 शिकायतों का समाधान किया गया है। साथ ही आयोग की जनसुनवाई में न पहुंचने वाले अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए भी लिखा गया है। उन्होंने कहा, अल्मोड़ा जिले की रहने वाली सन्ना परवीन प्रकरण में 2 साल बाद न्याय मिला है। इस मामले में अधिकारियों ने लापरवाही बरती है और उच्च अधिकारियों ने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, तो आयोग के पास अधिकार है कि वो इन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा लिखवा कर उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। ये हमारे पास लगभग 55 मामलों का हमने जो है ये सुनवाई का रखा है आज, और इसमें हमने 20 मामले सुन लिए। 20 मामलों में संबंधित अधिकारी जो उन मामलों से संबंधित थे उनको हमने सुना है। जिन अधिकारियों की लापरवाही और जिन अधिकारियों ने उत्पीड़न किया है, उत्पीड़न अगर साबित होता है तो उनको हमने पहली वार्निंग देनी होती है और विभाग को ये नोटिस दिया जाता है कि आप इस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करो। एक मामला अल्मोड़े से सना परवीन का था, जिसको 2 वर्ष में न्याय मिला है आयोग के माध्यम से, और उसका उत्पीड़न हुआ था। हमने यहाँ के कुल सचिव को बुलाया था और कुल सचिव को ये आदेश किया है कि आपको लास्ट वार्निंग दी जाती है। ये तीसरा मामला यूनिवर्सिटी का है। अगर इस तरीके के उत्पीड़न यूनिवर्सिटी में हुए तो हम जो हमें अधिकार दिए गए हैं आयोग को, उन अधिकारों के तहत हम मुकदमा दर्ज कराएंगे। ये रिपोर्ट आपके लिए तैयार की थी हमारे संवाददाता दीपक अधिकारी ने। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज़। धन्यवाद।